आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। बजरंग दल के जिला गौरक्षा प्रमुख अनुप गुप्ता ने मढ़िया सड़क गौशाला का किया निरीक्षण, जताई नाराजगी। गोलाखिरी बजरंग दल के गौरक्षा प्रमुख अनुप गुप्ता अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ ब्लॉक कुंभी क्षेत्र के ग्राम मढ़िया बनी गौशाला का निरीक्षण किया। वहीं गौरक्षा प्रमुख अनुप गुप्ता ने बताया, गौशाला एक हिसाब से दंडशाला का रूप ले रखी है और ऐसा हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इनसे नहीं चलाया जाता है तो लिखित में दे दे, अगर जिम्मा उठाया है तो कोई दूसरा चला सकता है। वहीं बताया, ऐसी गौशाला शायद इससे पहले इस जिले में नहीं देखी है और अगर ऐसा कर रहे हैं तो इनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े, क्योंकि बजरंग दल का काम जो है हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए है। उन्होंने गौशाला प्रबंधक महेश कुमार से बात की तो बताया कि गौशाला में गायों की संख्या 123 बताई पर 105 गायों की मौजूदगी है। वहीं पशु डॉक्टर संतोष कुमार की लापरवाही से 30 पशुओं का टैग नहीं लगा था, एक गाय का पैर टूटा हुआ है। श्री अनुप गुप्ता ने कहा, पशु डॉक्टर की लापरवाही सामने आ रही। अखिलेश यादव ग्राम पंचायत सचिव की लापरवाही से पशुओं को एक महीने से अधिक समय से हरा चारा नहीं दिया जा रहा है। इस गौशाला में भ्रष्टाचार चरम पर है। ऐसे ही प्रतापपुर गौशाला में डॉक्टर की लापरवाही से ही पशुओं की मौतें हो रही है। ना तो चारे की व्यवस्था देखने को मिली और ना ही किसी तरीके से गौशाला में गाय की सेवा देखने को नहीं मिली। ग्राम पंचायत में बनी गौशाला दंडशाला का रूप ले रखी है, जहां एक तरफ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गौ माता के लिए करोड़ों खर्च कर रहे हैं, वहीं जमीनी स्तर पर गाय की यह व्यवस्था देखने को मिल रही है। अब देखना होगा आखिर शासन प्रशासन क्या बदलाव कर पाएगी या फिर इसी कंडीशन में यह गौशाला बनी रहेगी। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।